ही गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे। आज हम लोग देखेंगे आप अपने यूट्यूब चैनल का बैकलिंक कैसे बना सकते हो, वो भी amazon.in या amazon.com या किसी भी अमेज़ॉन के वेबसाइट पे। ठीक है, आपको पता होगा अमेज़ॉन कितना फेमस वेबसाइट है, गूगल की नज़रों पे कितना इसका वैल्यू है। तो एक मिनट इसका चेक करते हैं हम लोग एक चीज़। ठीक है, इसका जो डोमेन रेटिंग होता है और इसका बैकलिंक का कितना पावर है वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसके बाद हम लोग अपना, आप वैसे इस पे ब्लॉग भी, अपना वेबसाइट या ब्लॉग भी, ब्लॉग का भी बैकलिंक बना सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल यूट्यूब चैनल का बैकलिंक बना के दिखाऊंगा। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो डोमेन रेटिंग है 91 और ये बैकलिंक से हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि ये इससे हम लोग का कुछ फ़ायदा नहीं है अभी। ठीक है, अभी फ़िलहाल 91 डोमेन रेटिंग है, मतलब इस डोमेन का इतना रेटिंग है। तो आप सोच सकते हो गूगल के नज़रों पर कितना अच्छा रेटिंग होगा। तो आपको सबसे पहले तो अपना अमेज़ॉन अकाउंट लॉगिन करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप योर अकाउंट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोफाइल का ऑप्शन। ठीक है, और प्रोफाइल का ऑप्शन को ओपन कीजिएगा आप लोग तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब आप अबाउट सेक्शन में कुछ लिख सकते हो या नहीं, एडिट योर प्रोफाइल पर आपको जाना है। अब आपको यहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारा दिख जाता है, जैसे वेबसाइट का, ठीक है, यूट्यूब का, फेसबुक पेज का। तो ये सब का मैं लिंक एक एक करके ले लेता हूँ अपने। जैसे कि वेबसाइट का लिंक मेरा है यहाँ पे https। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, यूट्यूब का लिंक दे दिया है। ठीक है, आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर का भी लिंक दे सकते हो और ये सब में भी कुछ लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे बस बैक लिंक बनाने के लिए आया था तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है व्यू योर प्रोफाइल एज अ विजिटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसको ओपन करने के बाद। ओके गाइस, कुछ प्रोफाइल इस तरह से दिख रहा है। हमारा यहाँ पे ब्लॉग का लिंक amazon.in पे आ चुका है। ठीक है, amazon.in के वेबसाइट पे हमारा ब्लॉग का लिंक आ चुका है। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम लोग चेक करते हैं थोड़ा सा कि ये डू फॉलो या नो फॉलो बैक लिंक है। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है, ये नो फॉलो लिंक नहीं है। ठीक है, ये एक डू फॉलो लिंक है। तो कुछ दिनों के अंदर आप अपने वेबसाइट का बैकलिंक चेक करोगे तो आपको अमेज़ॉन से भी मिल गया होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे यूट्यूब का भी लिंक आ रहा है और ये फेसबुक का भी लिंक है। तो ये सब भी अब रैंक होगा गूगल के सर्च इंजन पे। और अगर आप लोग चाहते थे कि आपका ब्लॉग का या फेसबुक पेज का या यूट्यूब पेज का बैकलिंक बनाना, तो यहाँ पर आपको amazon.in से मिल चुका है। हालाँकि गाइज, मैं यहाँ पर एक प्लस पॉइंट बताना चाहता हूँ, बोनस पॉइंट। आप amazon.in से ही क्यों, आप amazon.com, amazon.ru, मतलब हज़ारों से बना सकते हो। ठीक है, जितना भी अमेज़ॉन का वेबसाइट है सब यहाँ पे आपको देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरा एक अकाउंट ओपन है amazon.com पे और यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे मैंने इस पे बनाया तो हुआ है, लेकिन अभी कहाँ पे ये ऑप्शन है मैं सर्च करता हूँ एक मिनट। गाइज, इनका क्या होता है, हमेशा चेंजेस होते रहता है, तो बार बार चेंजेस होता है, इधर का उधर, उधर का इधर कर देता है। आपको यहाँ पे योर अमेज़ॉन प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक amazon.com का अकाउंट है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको एडिट योर प्रोफाइल का सेम ऑप्शन मिलता है, सेम तरीके से। ठीक है, और देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक अपना यूट्यूब चैनल डाल के रखा है और यहाँ पे वेबसाइट, मैं एक अपना दूसरा वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ ताकि उस वेबसाइट का भी मुझे बैक लिंक मिल जाए amazon.com की तरफ से। और नहीं तो एक काम करते हैं, क्योंकि मैं इस वेबसाइट का ही बैकलिंक बना रहा था amazon.in से, तो इसी वेबसाइट का मैं amazon.com से भी बना लेता हूँ और ये फेसबुक पेज का भी लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फेसबुक पेज बनाया है जो कि मुझे चाहिए कि जल्दी से जल्दी सर्च हो और रिजल्ट में आए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसका भी बैकलिंक ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। तो सेव कर लेने से ही आपका सेव हो जाएगा, यहाँ पर आप व्यू योर प्रोफाइल एज विजिटर करोगे वैसे ही, तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। यहाँ पर क्या हो गया, ओके, लगता है मैंने कुछ गलती किया है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा गो टू योर प्राइवेट व्यू, तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है। शायद मैंने लिंक पे कुछ गड़बड़ी किया है इसीलिए ये दो आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं हटा के ठीक कर लेता हूँ और ये ठीक होने के बाद गाइस सेव पे क्लिक करना है और बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा। मैं एक बार दिखाई देता हूँ और amazon.com से भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमें बैकलिंक मिल गया amazon.com डोमेन से और
amazon.in से भी मिल गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस पॉइंट और एक बता देता हूँ, आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स ही क्यों, जितने भी अमेज़ॉन का वेबसाइट है सारे पे जा सकते हो, इनका बहुत सारा वेबसाइट है, सारे पे अकाउंट बना के आप लोग क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट का बैंक लिंक बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इसमें कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक प्रोफाइल सेक्शन वाला बैक लिंक है, तो आपको अप्रूवल मिल जाता है और कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट या यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज किसी भी चीज़ मतलब सोशल मीडिया आप बैक लिंक ले सकते हो अमेज़ॉन के थ्रू। तो गाइज़ ये एक बहुत ही अच्छा मतलब टूल है, ठीक है, बनाने के लिए। आगे भी हम लोग बैकलिंक के बारे में सीखेंगे और क्या कहाँ कहाँ बना सकते हैं बैकलिंक वो भी जानेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कुछ अच्छा सीखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।